हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अब से मुंबई का ट्रैफिक खत्म। जी हाँ, आज मुंबई के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसी साल 2023 के नवंबर महीने में ही मुंबई का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट द कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, जिससे आप ये 2 घंटे का सफर एंड आई मीन SUFFER सिर्फ 25 मिनट में ही पूरा कर लो। वेल फ्रेंड्स, एक आम मुंबईकर साल के 2 महीने सिर्फ ट्रैफिक में ही बिताता है। यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि सड़कों पर गाड़ियां 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, जो कि इंसान की नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से सिर्फ 4 किलोमीटर पर आवर ही ज्यादा है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोस्टल रोड 75% रेडी हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट मुंबई के लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक रोड ही नहीं है बल्कि इसमें गार्डन्स, पब्लिक प्रोमोनेड, अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से लेकर डेडिकेटेड बस लेन्स और व्हीकल लेन्स मौजूद है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट तो मुंबई के एक मेगा रिंग प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। सो बाकी बड़ी मेट्रो सिटीज की तरह ही ऑफ कोर्स मुंबई में भी ट्रैफिक एक मेजर प्रॉब्लम है। इतना कि जरा इस मैप को देखो, नॉर्थ से साउथ मुंबई का रास्ता सिर्फ 36 किलोमीटर का है, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ 40 मिनट लगने चाहिए, राइट? आज वहां पर पहुंचने के लिए मुंबईकर्स को 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, जिसका मतलब वर्किंग आवर्स को इंक्लूड करें तो ऑन एन एवरेज एक मुंबईकर दिन के 11 से 12 घंटे घर से बाहर बिताता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ट्रैफिक कितना बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई में। कुछ लोग इसे एक सेकेंड जॉब भी कहते हैं, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पर लग जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर इसकी जड़ क्या है? तो वेल, इसे देखो, ये है मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जहां से नॉर्दर्न इंडिया का ट्रैफिक मुंबई में एंटर होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रूट सिर्फ नॉर्थ मुंबई यानी कि बांद्रा तक ही कनेक्टेड है। मतलब ट्रैफिक को मेन सिटी यानी साउथ मुंबई जाना हो तो उन्हें सिटी के अंदर से ही होकर जाना पड़ता है, जिससे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कंजेस्टेड हो जाता है। और वहीं पर ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का भी सेम ही हाल है, जो साउथ मुंबई को कनेक्ट तो करता है लेकिन यहां पर भी हैवी ट्रैफिक होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, जिसमें मुंबई के 17 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स को स्टडी करके ये पाया गया कि साल प्रति साल मुंबई का ट्रैफिक कम होने के जगह पर एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये देखा कि 1990 से लेकर 2005 में मैक्स ट्रैफिक स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था, वहीं पर आज पोस्ट 2005 ये स्पीड सिर्फ 8 किलोमीटर पर आवर ही हो गया है। इस रिपोर्ट में ये भी था कि मुंबई में पिछले 20 सालों में ऑटो रिक्शास 4 गुना बढ़ गए हैं, 2-व्हीलर्स 3 गुना बढ़ गए हैं और वहीं पर कार और दूसरे व्हीकल्स लगभग दुगने हो चुके हैं। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स और मुंबई की बढ़ती ग्रोथ को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फाइनली ऐसे रिंग रोड कॉन्सेप्ट को मुंबई में इंट्रोड्यूस करने का सोचा। एंड इन फैक्ट, अगर इंटरनेशनली देखें या इवन इंडिया में, रिंग रोड कॉन्सेप्ट रीसेंट ईयर्स में काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद का रिंग रोड ही ले लो, इसका कंस्ट्रक्शन फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हुए सिटी के ट्रैफिक फ्लो को सिटी के बाहर ही एडजस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आज इस रिंग रोड के 6 लेन हाईवेज पर डेडिकेटेड लेन्स है, जिसे प्राइवेट व्हीकल्स जिन्हें 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है, हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक अलग ही लेन है जिसकी स्पीड लिमिट 60-80 किलोमीटर पर आवर है। इसका इंपैक्ट ये था कि लेन सिस्टम को फॉलो करने से ट्रैफिक पूरी तरीके से कम हुआ और इससे हैदराबाद अपने 70% वीकेंड ट्रैफिक को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हुआ। और बस इसी कॉन्सेप्ट में अब मुंबई में भी रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसे कुछ प्लान इस तरीके से किया गया है। इसमें मुंबई के साथ ग्रेटर मुंबई से आने वाले ट्रैफिक को भी मैनेज किया जाएगा। सो रिंग रोड की शुरुआत यहां कांदिवली से मरीन ड्राइव तक होगी, जो बांद्रा वर्ली सीलिंग के जरिए नॉर्थ मुंबई को साउथ मुंबई से कनेक्ट करेगा। और जरा ये रोड देखो, ये रिंग रोड का फर्दर एक्सटेंशन है, जो साउथ मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और इसका नाम है ट्रांस हार्बर लिंक। अब जरा इस और इस हिस्से को देखो, ये मुंबई सबर्ब्स को मेन सिटी से जोड़ेगा, जिसका नाम है अलीबाग विरार कॉरिडोर। ये इस एंटायर रोड प्रोजेक्ट का वो हिस्सा है जो मुंबई के सैटेलाइट टाउन्स जैसे पनवेल, डोंबिवली, थाने, भिवंडी और वसई को रोड, मेट्रोज और ट्रेन से कनेक्ट करेगा। एंड फाइनली ये हिस्सा है विरार वर्सोवा कोस्टल रोड, जो इस सबर्ब टाउन विरार को भी मुंबई से जोड़ेगा। बट वेट, इस प्रोजेक्ट का एक मेजर हिस्सा कोस्टल रोड है। एंड सरप्राइजिंगली, इसे 1962 में एक इंजीनियर विल्बर स्टीवेंसन स्मिथ द्वारा प्लान कर दिया गया था। इन्होंने हाजी अली टू नरीमन पॉइंट तक 3.5 किलोमीटर का कोस्टल रोड प्लान किया था, क्योंकि इन्होंने ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मुंबई का पॉपुलेशन काफी तेजी से एक्सप्लोड होने वाला है और इसीलिए वो इंडस्ट्रीज को मुंबई से बाहर उरन, नवी मुंबई में लेकर जाना चाहते थे। आज अगर आपके पास स्पोर्ट्स का भी ज्ञान हो तो IPL के लिए उसे यूज करके आप मनी अर्न कर सकते हो। आपको बस स्पोर्टिको फैंटेसी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पर आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स के बजाय अपने फेवरेट खिलाड़ी पर ट्रेड कर सकते हो। लाइव प्लेयर स्टॉक्स और गेमिंग इनसाइट्स के अलावा इस ऐप की खासियत है इंडिविजुअल प्लेयर ट्रेडिंग। बोले तो ना टीम बिल्डिंग के झंझट और ना ही लीग में खेलने का प्रेशर, यानी बस अपने स्किल्स और नॉलेज का इस्तेमाल करो, फेवरेट प्लेयर पर आप ट्रेड करो और बनो एक बेहतरीन ट्रेडर। इस ऐप का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बिगिनर फ्रेंडली है, सो व्हाई वेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया
है लिंक, उस पर क्लिक करके मेरा कूपन कोड play50 यूज करो, आपको 100 रुपीस के ज्वाइनिंग बोनस के साथ 50 रुपीस का वेलकम बोनस भी मिलेगा। सो डू चेक आउट स्पोर्टिगो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट ये प्लान अनफॉर्चुनेटली तभी की गवर्नमेंट ने सीरियसली नहीं लिया और एग्जीक्यूट नहीं किया, और लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ग्रेजुअली मुंबई में, स्पेशली साउथ मुंबई में, इंडस्ट्रीज बढ़ने लग गए जो आज तक एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट साउथ मुंबई तो मिक्स्ड जोन बनकर कंजेस्टेड हो गया है। अब 1962 की गवर्नमेंट ने तो स्मिथ की बात नहीं मानी, बट करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोस्टल प्रोजेक्ट को तुरंत ही अप्रूव कर दिया। साल 2016 में लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट आज 75% बनकर रेडी है। ये ऐसा 8 लेन्स का हाईवे लगभग 30 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है, जिसमें बाय द वे 8 लेन्स को बनाने के लिए गवर्नमेंट को कई लैंड्स को रिक्लेम करना पड़ा। इस प्रोजेक्ट को दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। साउथ फेज जो मरीन लाइन से वर्ली तक की 9 किलोमीटर की रोड है, और नॉर्थ फेज जो कांदीवली से बांद्रा तक 19.22 किलोमीटर का वे है। इस वाले रोड में बांद्रा वर्ली सीलिंग को भी कनेक्ट किया जाएगा। अब अगर साउथ फेज के रूट की बात करें तो ये कोस्टल रोड मरीन ड्राइव से शुरू होकर प्रिंसेस फ्लाईओवर होते हुए गिरगांव चौपाटी से एक टनल की मदद से मालाबार हिल के नीचे से प्रियदर्शनी पार्क तक पहुंचेगा, और फिर यहां से वर्ली यानी बांद्रा वर्ली सीलिंग को 800 मीटर के ब्रिज से जोड़कर नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसके इंटर चार्जेस। इस वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में मुंबईकर्स को ट्रैफिक और सिग्नल फ्री मूवमेंट देने के लिए कुछ इस तरह के वर्ल्ड क्लास इंटर चार्ज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। देखो, क्लासिक रोड्स में ज्यादातर ट्रैफिक एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होती है, जिससे कि ट्रैफिक और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बट इंटर चार्ज में कुछ इस तरह ट्रैफिक को पहले से ही सेग्रीगेट किया जाता है, और इससे मूविंग ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना हो, और इसीलिए इंटर चार्ज को मेन रोड से अलग बनाया जाता है। मुंबई में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे ये 3 हाजी अली, भूला भाई देसाई मार्ग और वर्ली सी फेस, ऐसे 3 मेजर इंटरचार्जेस बनाए गए हैं, तो इन्हें बिल्कुल किसी फॉरेन डेस्टिनेशन की तरह डिजाइन किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ रोड्स ही नहीं है, इनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गार्डन्स भी प्लान्ड है, और वो भी इतने ज्यादा कि 75 हेक्टर्स की जमीन पर तो सिर्फ गार्डन्स ही बनाए जाने वाले, जो हमारे दूसरे यानी कि ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स को भी मीट करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ गार्डन्स ही नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रोमोनेड्स भी प्लान है। सो प्रियदर्शनी पार्क से वर्ली तक 8 किलोमीटर का प्रोमोनेड यानी मरीन ड्राइव जैसा जॉगिंग एरिया बनाया जाएगा। बट सबसे अच्छी चीज जो आपको भी इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश कर देगी वो है पार्किंग लॉट्स। अगर आप एक मुंबईकर हो तो आपको ये मालूम होगा कि साउथ मुंबई में और इवन सबर्ब्स में पार्किंग लॉट मिलना इज नेक्स्ट टू फाइंडिंग जेम्स, और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में 2000 से भी ज्यादा व्हीकल कैपेसिटी वाले अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट्स भी बनाए जाएंगे, और वहां पर मुंबईकर्स को फ्री पार्किंग मिलेगा। इसके अलावा मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसमें बसेस के लिए सेपरेट 2 लेन्स और साइकिलिंग के लिए भी सेपरेट रूट्स रखे गए। प्लस बसेस, जैसे आपको पता होगा, ट्रैफिक के फ्लो को हमेशा हैम्पर करती है, और इसीलिए वो फास्ट चले और कम्यूटर्स कम्फर्टेबली भी ट्रैवल कर सके, इसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बस बेस डिजाइन किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंडिया का पहला अंडर टनल होगा जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है, 456.72 मीटर्स का डीप टनल शॉर्टेस्ट टाइम में खोदने का। ऑल्सो कोस्टल रोड्स में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की कोशिश की है वो है मुंबई के फ्लड्स। फ्लड से डील करने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए जा रहे हैं, जिसका दूसरा फायदा यह है कि यहां पर मरीन बायोडायवर्सिटी और फिशेस ग्रो होने में भी मदद होगी। और मुंबईकर्स के फायदे की अगर बात करूं तो इससे उनका 70% टाइम रिड्यूस होगा और अराउंड 826 करोड़ का फ्यूल कंजम्पशन सेव होगा। अब अगर मेरी राय पूछो तो रीसेंट इयर्स में लॉन्च हुए प्रोजेक्ट से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एक इंटरनेशनल सिटी के लेवल का नजर आएगा, जिसका ट्रांस हार्बर लिंक रोड एक पार्ट है और जो लगभग 90% रेडी भी है। सिर्फ अगर हम इसी की बात करें तो ये ओपन होने पर डायरेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड कॉरिडोर से कनेक्ट होगा, और आज जहां पर मुंबई से पुणे पहुंचने में 3 घंटों का वक्त लगता है वो सीधा 1.5 घंटे तक रिड्यूस हो जाएगा, और इसकी वजह से दोनों मेजर सिटीज बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। एंड नॉट जस्ट सिटी, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्टेट्स के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स को भी जोड़ा जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की, पर इसे लेकर फिलहाल काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा अक्सर होता है फ्रेंड्स कि कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आ जाती है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे लैंड रिक्लेमेशन, डिफॉरेस्टेशन या कुछ और। तो ऐसे में आपका क्या ओपिनियन है, किस हद तक एक नेशन को इन सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए फॉर द लार्जर गुड? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। ऑल्सो इस बारे में कुछ ओपिनियन देने से पहले एक बार जरा सिंगापुर के डेवलपमेंट को भी देख लेना, जिसे मैंने इस वीडियो में काफी डीपली कवर किया है कि किस तरीके से सिंगापुर नथिंग से
समथिंग बन गया और उनकी और मुंबई दोनों की कंडीशंस और हिस्ट्री काफी सिमिलर थी, लेकिन दोनों का प्रेजेंट वाइडली डिफरेंट है। यहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, गौरव जी ठाकुर आईडी है। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।